भाई खुला छोड़ दिया यार, मेरे को तो सबसे क्यूट ये लगा यार। तो कुछ ऐसा ही है भाई, बिल्कुल सेम टू सेम ये। तो इसकी हाइट और लेंथ ना इतनी रहा है पूरी जिंदगी। ये देख लो स्कूटी के बीच में निकल आया, जब इसे सोप पे लेके चल रहे हैं भाई, अब देखो कैसे चल रहा है, जैसे कि बॉडी बिल्डर नहीं होते। सो हे गाइस, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग, और आप देख रहे हैं सीएचओपी के व्लॉग। गाइस अभी मैं तुम्हें पीके दिखाता हूं, ये देख लो। सुबह सुबह सारा सीन अपने आप क्रिएट कर रखा, कहीं से ढूंढ के लाया अपनी मम्मी का पर्स, उल्टे जूते पहन लिए, नीचे पजामी नहीं पहनी, बिल्कुल सेम टू सेम पीके जैसा हो रहा है यार ये तो। फिल्म तो देखी होगी पीके, वही हो रहा बिल्कुल सेम। बाय कर दिया, सुबह सुबह व्यू का काम स्टार्ट हो गया है। अपनी रिक्शा में बिठा लिया जर्मन को, और ये गया, ओ ये घुमा दी गाड़ी, पवन नाट फंसी इसी। तो पीकू से मिलवा के देखते हैं, इसे मिल ले पीकू, बातचीत कर ले इससे। भाई दो तीन दिन तक पीकू का यही याद रहेगा, इससे डर डर का भागू जाएगा यू। चलो कोई बात नहीं, मैं इसे यहाँ रख दूंगा। ये जर्मन के साथ आराम से खेल रहा, क्योंकि पूरी मस्ती चल रही जर्मन के साथ, और जर्मन रो रहा भूख के मारे, हट जा, ओए दूध पीने पहले से, बाद में खेली इसके साथ। जर्मन दूध पी, जर्मन को जिस टाइम भी भूख लगे उस टाइम ही रोने लगे, हमें पता लग जा, तुरंत हम इसे दूध पिलाते हैं। भाई जब बालाजी गए थे तो हमारे घर में कुछ दिन तक प्याज वगैरह की सब्जी नहीं बनेगी, अभी से आलू मिल गया। प्याज तो लगो रखे मम्मी ने, आलू धर के लात मारा सीधा नीचे फेंका का, सब्जी बना कर इसकी। गाइस कल मैं मिट्टी के बर्तन लेके आया था, क्यों लेके आया था पहले तो तुम्हें ये बता दूंगा। मिट्टी के बर्तन में इसलिए लाया था क्योंकि इनका जो जाल है ना, इस जाल में भाई मिट्टी के बर्तन की ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ये जो बर्तन रखे हुए हैं ना इनमें पानी हो जाएगा गर्म, क्योंकि गर्मी आती जा रही है। बढ़िया है, अब एक मिट्टी का बर्तन तो पहले सेट कर दिया मेरे उठने से पहले, श्वेता ने अंदर सेट करके इसमें दाना डाल दिया, तो एक मिट्टी के बर्तन में दाना रहेगा, दाना भी ठंडा रहेगा, और दूसरी मिट्टी के बर्तन में पानी रहेगा, पानी भी ठंडा रहेगा, ऐसे ही इनका हो जाएगा। इनके पास तो पहले से ही मिट्टी का बर्तन है, एक मिट्टी का बर्तन और रख देंगे वहां पे पानी वाला, जैसे आने वाले टाइम में गर्मी बढ़ती जा रही है ना, उस गर्मी से राहत पाने के लिए पानी ठंडा रहेगा। और ये जो मैं बड़े वाला बर्तन लेके आया हूँ ना, ये स्पेशल मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि जो जंगली कबूतर चिड़िया वगैरह है ना, तो उनके लिए भी उड़ दवाई तो यार सारे। ओए ओ तू यहाँ से निकलिए, निकल निकल, आ मजिए। ये वाला जो बड़ा बर्तन है इसे छत पे रखेंगे, क्योंकि छत पे जो जंगली परिंदे, अबे साले, क्योंकि छत पे जो जंगली परिंदे है उनको भी तो पानी चाहिए। ये छोटे छोटे बर्तन जो है, ओए क्यों मार रहा है इसके, तो पहले इन्हें सेट करता हूँ। गाइस ये जाल जो मैंने बनाया ना, ये मेरे को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ना इतना ज्यादा वजन हो गया है, ये ना उठने से भी नहीं उठता, और अभी हमें मिट्टी के बर्तन वैसे रखे जाएंगे, तो इसलिए ये चेंज करना पड़ेगा। अब यार तू वहाँ की दुकान खोल के बैठा, श्वेता से पूछते हैं कौन से बर्तन में पानी होना चाहिए, कौन से बर्तन में दाना, इसमें बड़े वाला बर्तन रख दिया ताकि ये इसमें पानी पिए, नहावे, मजा लेवे पूरा गर्मी में। इसमें ये थोड़ा सा इससे छोटा बर्तन है, इनका साइज भी छोटा है, तो ये बर्तन ना इससे तो बड़ा ही हो गया, तो इसमें ये पानी भी पिएंगे, नहाएंगे भी, मजा लेंगे। और गाइस ये देख लो भाई, छोटे छोटे अंडे हैं, मैंने ना जूम कर रखा है इसलिए तुम्हें बड़े बड़े दिख रहे होंगे, और तीन अंडे दे रखे हैं, ये देखना है कि कब इनमें से बच्चे निकलेंगे। व्हाइट वाली जो चिड़िया है ना, इसने अंडे दे रखे हैं, ये देखो गाइस, इसकी गर्दन में ना दिक्कत है, ये ना सबसे ओल्ड है। गाइस किसी दिन मैं इनकी वो वाली वीडियो बना के दिखाऊंगा तुम्हें, जब ये नहावे है पानी में, कूद कूद के नहावे यार ये। इनका मामला फुल सेट कर दिया है, अब चलते हैं जर्मन के पास। जर्मन को फिर भूख लग गई, रोना स्टार्ट कर दिया उसने, ऐसा भी हो सके व्यू ने पकड़ लिया होगा। ओए परेशान ना करा कर यार तू इसे, कोई नहीं परेशान कर रहा, भूख लग होगा ये बेचारा। ये देख लो जर्मन सेफर्ड भी ग्रिप लगा रहा भाई, वो कपड़े में ग्रिप मार रहा। अब ओए ओ हट जा, दूध पी ले तू, आ जा तू, बाद में करिए, कपड़े ना फाड़े मारे। अब तेरे सोने का स्थान है यू, तेरा बिस्तर है यू, ले दूध पी ले, ले। जर्मन की जो डाइट है ना वो बिल्कुल थोड़ी सी है, थोड़ा सा दूध पिएगा ये, उसके बाद पीकू सारा दूध पी जाए इसका। अच्छा सारा पी लिया रे भैया। गाइस जर्मन के पिस्सू ज्यादा है, तो मैं उसका नोटिक्स डाल दूं थोड़ा सा। ये प्रॉब्लम जर्मन में सबसे ज्यादा हुआ है, रोटविलर, पिटबुल, अमेरिकन बुली, इनमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती पिस्सू की। जिसका लॉन्ग कोट होगा ना, बाल जिसके बड़े बड़े होंगे, उसमें ज्यादातर प्रॉब्लम होगी पिस्सू की। टोटल अच्छे से लगा दिया है इसका नोटिक्स पूरे शरीर पे, अब थोड़ी सी देर में सारे पिस्सू निकल कर भाग जाएंगे या मर जाएंगे इसके अंदर ही। गाइस अभी खाते हैं खाना, खाने में आलू, शिमला मिर्च, घी, मट्ठा, रोटी। गाइस अभी मैं निकल रहा हूँ दिल्ली के लिए, बाइक पे जाएंगे, हेलमेट वगैरह ले लिया है, ये प्लान भी नहीं हुआ था, एकदम से ही बन गया प्लान, अब निकलते हैं। तो गाइस आज अपनी निंजा 1000 आ गई है, इस पे चलेंगे दिल्ली। अरे तो भी लेकर आया हेलमेट? हाँ आज दोनों के दोनों हेलमेट लेकर आया, क्योंकि भाई लो नहीं जाना ना, तो धूल धड़ाके में पूरा काले हो लेंगे। जब घर पे जो छोटा बच्चा है ना, तो उसके लिए रॉयल कैनन वगैरह लेंगे, सैरल एग भी लेंगे, तो मिनी स्टार्टर लूंगा रॉयल कैनन। गाय जब जिन भैया के पास हम फीड लेने के लिए आए ना भाई, उनके पास ये डॉग है, और ये देख लो भाई क्या क्वालिटी है और क्या मस्कुलरिटी है।
साइज कौन सा है यू? पॉकेट तो नहीं? नहीं कुछ नहीं भाई, फुल फ्रेंडली। गाइज वाइड एंगल पे देखो कितना छोटा सा दिख रहा है, लेकिन जब प्रॉपर कर देंगे ना तब देखो ऐसे से। इसकी क्वालिटी देखो तुम, क्या सुपर्ब है। इस कलर के डॉग की जरूरत है भाई मेरे को भी। अगर मेरे को इस कलर का डॉग मिल गया ना तो पक्का पक्का ले लेगा तुम्हारा भाई। इसी कलर में हमारा अल्फा था, सेम टू सेम, और ये भी उसी कलर में है भाई। तभी तो इतना प्यारा और इतना क्यूट लग रहा है। ये देखो तो बॉडी देखो बस तुम। जो पप्पी मैं लेके आऊंगा ना भाई, उसको भी मैं ऐसे ही मस्कुलर बनाऊंगा, पूरा फुल मस्कुलर। जब इसे शॉप पे लेके चल रहे हैं भाई, अब देखो कैसे चल रहा, जैसे कि बॉडी बिल्डर नहीं होते वे विदेशी बॉडी बिल्डर, देखे होंगे तुमने, सेम टू सेम ऐसे ही चल रहा भाई। जब भाई कह रहा है कि इसे खुला छोड़ दो, ये भी पीकू की तरह खुला चलेगा भाई। खुला छोड़ दिया यार वो भाई, रिएक्शन देख लो लोगों को कैसे देखते जा रहे इसे। पीकू की तरह चल रहा खुला ऑन रोड पे, कितने आदमी घूम रहे यहाँ, लेकिन इसे देख लो खुला घूम रहा, किसी के तरफ भी अटैक नहीं करने का भाई। ऐसा होना चाहिए भाई डॉग। लोगों के रिएक्शन देखो भाई तुम, कितने तगड़े है वो भाई। छोटे छोटे बच्चों के बराबर मुख भी आराम से जा रहा, लेकिन ये देख लो किसी को कुछ कह भी रहा हो भाई। ये तो सेम पीकू की जैसा है, बिल्कुल जैसा पीकू है। भाई ये देख लो स्कूटी के बीच में निकल के आया, इसका पट्टा मेरे हाथ में है भाई। रनिंग करता हूँ, देखो कितना प्यारा लग रहा है यार। रिएक्शन देखो तुम, कितने धांसू रिएक्शन है भाई। जब शॉप पे आ गया भाई, ये देख लो कैसे फुल गार्डिंग कर रहा है, हमारे पास ही आ गया। इसके लिए समोसे लेके आ गए भाई। गिरखी तो जब चेक कर रहा है, और भाई इसकी लीज ना मेरे गले में लटकी हुई है। जब इसे देखने के लिए ये देख लो भीड़ लगी बाहर, छोटे छोटे जाकत बार बार आ रहे दुकान में देखने के लिए। भाई आ गया अपनी पेटी के साथ, आगे निकल के बाहर चले जाओ, पहाड़ के फेंक देगा हवा निकल गए। गाय जब ये देख लो भाई, बैरो कितना ज्यादा फ्रेंडली है, हमारे यही बैठा बिल्कुल हमारे पास ही। ये देख लो मैं इसके ऊपर हाथ भी फेर रहा, और इसके बारे में ना ये कह रहे थे सब की बहुत ज्यादा खतरनाक है ये, लेकिन ये देख लो भाई अब कितना ज्यादा फ्रेंडली है। वो जो है ना ब्लैक कलर की बच्ची, वो बैरो की है, वो कुछ ज्यादा खतरनाक है। देख लो कितनी एग्रेसिव है वो अभी से। ये भी फीड भी ले लिया है, देख लो इतना सारा ले लिया, पेटी में पैक कर लिया। तो भाई जब भाई देख लो पूरी पेटी ले ली फीड की। गाय जब आगे भाई के पास, यहाँ पे ये देख लो भाई सबसे पहले एंट्री करते, कितनी क्यूट सी पप्पी दिखी है। इसकी हाइट और लेंथ ना इतनी रहे पूरी जिंदगी, इसे बोलते हैं सिटजू, और इसने ना बच्चे भी दिए हुए हैं। मेरे को पसंद है सिटजू, और तुम्हारी भाभी को भी पसंद है, बट इसको ले नहीं सकते ना गांव में भाई, ऐसा हाल हो जाएगा इसका। ऐसा लगेगा जैसे कि भाई इसने रोज मेकअप कर रखा हो, क्योंकि वहां धूल धपटा सारी चीज है, तो वहां भाई इसकी हालत इतनी बेकार हो जाएगी तुम सोच नहीं सकते। और गाय जब भी मिलते हैं पीकू के भाई से, ये देख लो भाई ये पीकू का भाई है। हेलो पीकू, जैसे ही है भाई बिल्कुल सेम टू सेम ये, तो ये देख लो भाई तुम पहचान नहीं पाओगे कि पीकू है या कोई और है। नमस्ते भी आते कर भाई, नमस्ते। वैसे भाई मेरे को फीलिंग ऐसी आ रही है जैसे कि बिल्कुल पीकू हो ये। सिटजू की जो फीमेल है ना, उसने छोटे छोटे बच्चे भी दिए हुए हैं क्यूट क्यूट से, ये देख लो भाई तुम। गाइस मेरे को तो सबसे क्यूट ये लगा यार। गाइस इसे देख लो भाई कैसे खेल रही, ओ माय गॉड, चुटिया भी बना रखी इसने तो लड़की की तरह। ब्याह करवा दो तेरा, पर हो रहा है इसका ब्याह, अभी बच्चे हुए इसके तो। ठीक है, रॉयल कनन के डब्बों के पास पहुंच गए। नमस्ते कर दो। गाइस अभी अंडा दिखा रखा है, और ये देख लो नमस्ते कर रहा अंडे के लिए। ओ ये देख लो, ये देख नमस्ते। ओ भाई नमस्ते दोबारा। ओ भाई सब ये देख। ओ ये ये सब क्या देखना पड़ रहा है भाई। जब पीकू के भाई के पास पप्पी ना ले गए, ओए ओए ओए, ये तो पीकू की डाली पप्पी कप्पू भी कर रहे हैं। बेल पप्पी ले दी तुमने तो, चिप्स भी कर रहा है तो भाई। पीकू का जैसे ही है भाई हरकते बिल्कुल सेम टू सेम, जैसे पीकू की है ना सेम टू सेम ऐसी है। और ये देख लो अपना मुंह दिखा पहले, अरे तेरा भी आना करवा रहा मेरी भाई जी, इसकी शादी बहुत करवाया भाई जी, इसके पास है ना वो बहुत शादी करवाया इसकी। और गाइस ये जो सिटजू के बच्चे हैं ना, छोटे छोटे क्यूट क्यूट तुम देख रहे होंगे, और भाई ये सेल के लिए भी है। अगर तुम्हें चाहिए ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया हुआ है भाई, उस मोबाइल नंबर पे कॉन्टेक्ट करके पूछ लेना। क्वालिटी देख लो भाई तुम, कितने प्यारे प्यारे हैं यार ये। गाइस अभी पीकू के भाई की ग्रिप लगवा के देखते हैं, जैसे पीकू लगा हुआ ना ऐसे लगा होगा या फिर कुछ अलग। रुक रुक लगा दी ग्रिप भाई, देख लो भाई भाई ये देख लो भाई तगड़ी गिरी भैंस की भी। पीकू की तरह है, बोलते छोड़ भी दे, छोड़ भाई एक बार छोड़ गाइस। भाई पीकू में बस ये भी खासियत है कि मेरे बोलते भाई तुरंत छोड़ देगा, चाहे क्रीप कितनी भी कैडी लगा रखी उसने, ये नहीं छोड़ रहा भाई ग्रीप, ये नहीं छोड़ रहा। खत्म। जब एक सीन बन गया, जिस बाइक पे हम आए थे ना उस बाइक का चैन सेट खराब हो गया, तो अब चैन सेट डलवाना पड़ेगा। रात के 8 बज चुके हैं यहीं, मुझे लगा भाई रात के 10 बजे पहुंचेंगे। गाइस अभी अभी घर आए हूँ, और ये देख लो जर्मन मेरे पैर में आके चिपट रहा, नू कह रहा कुछ खाने पीने के लिए नहीं लाया क्या, ये लगा तेरे लिए रॉयल कैनन ले आया, खाइए मजे लिए पूरे।